जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस फायरमैन 380 पोस्ट कैंडिडेट के लिए एक बड़ा अपडेट निकल के आ गया है। जैसा कि देख सकते हैं अभी जो है अभी ये नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में क्या क्या बताया गया बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो है अभी मेडिकल चल रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है और यहाँ पर आज के दिन जो है ये नोटिस जारी किया गया है। बेसिकली आज देख सकते हैं 27 फरवरी है और अभी ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए इस नोटिस में पूरा जानते हैं, पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस नोटिस में जो बताया गया है उस रिलेटेड सारी जानकारी आपको पहुंच सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मेडिकल में जिनका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया था उसके लिए ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारा डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वो नोटिस है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं ये वो नोटिस में बताया गया, देखिए पत्रांक 28-35 ठीक है। उसके बाद निदेशक सलाह अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय जो कि बिहार पटना, देख सकते हैं प्रेषक में दिया गया है विनोद कुमार ठीक है, निदेशक सलाह अग्निशमन पदाधिकारी बिहार पटना सेवा में उन सभी अभ्यर्थियों का, जैसे कि देख सकते हैं ये वो सारा नाम है ठीक है। अखिलेश कुमार रोल नंबर देख सकते हैं, पिता रामचंद्र मांझी ग्राम बगडिया पोस्ट दल सतजोड़ा बाजार ठीक है, थाना देख सकते हैं पानापुर जिला सारण, पिन नंबर देख सकते हैं ये उनका है। और उसी तरह देख सकते हैं बंटी कुमार, इसी तरह जो है टोटल देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक लिस्ट में जो है वो 10 कैंडिडेट का नाम दिया गया है ठीक है। अगर आपका भी नाम इसमें है तो आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परेशान हो रहे थे कि हमारा जो है यहाँ पे मेडिकल में नाम नहीं दिया गया था। देख सकते हैं आप सभी का जो है यहाँ पे जो है किसी कारण से जो है वो नहीं दिया गया था, वो कारण भी हम आपको जो है इसमें जो मेंशन किया गया वो कारण मैं बताने वाला हूँ किस कारण से जो है आपका मेडिकल में नहीं दिया गया था नाम। उसके बाद देख सकते हैं ये सारे कैंडिडेट टोटल जो है एक लिस्ट में जो है 18 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है किस विषय में जो आपको यहाँ पे जो है वो मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था। देख सकते हैं प्रसंग में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के ज्ञापन देख सकते हैं 181 दिनांक 16/2/2023 के संबंध में जो है देख सकते हैं विषय दिया गया कि केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के ज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2021 के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के पद पर जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी है उसके अभिलेख के जांच के क्रम में पाए गए अभिलेख की विसंगतियों के संबंध में। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और अन्य सभी जो हुआ था उसमें आप जो है वो कुछ गलती पाया गया था जिसके कारण से जो है आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था, यहाँ पे वही जो है विषय में लिखा गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के विज्ञापन संख्या जो 21 के अंतर्गत जो है बिहार अग्निशमन सेवा में जो अग्नि के पद पर अंतिम रूप से आप लोगों का जो चयन हुआ था ठीक है, इस कार्यालय द्वारा आप लोगों को यानी कि CSBC कार्यालय द्वारा जो है आप लोगों को सभी आवश्यक अभिलेखों के जाँच के क्रम में जो विसंगतियाँ पाई गई थी तदनुसार उनकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1896 जो कि यहाँ पे 8/2/2023 द्वारा केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा, माफ़ करिएगा यहाँ पे जो है अग्निशमन कार्यालय द्वारा जो है ये बताया गया था कि मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो जो है ये सारा जो है वो त्रुटि पाया गया था जिसके कारण जो है CSBC को जो है यहाँ पे लेटर लिखा गया था। देख सकते हैं केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना को दी गई थी, आप लोगों के अभिलेख की विसंगतियों के निराकरण हेतु जो है केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा दिनांक 3/3/2023 को तिथि निर्धारित की गई है। तो ये सारा जो कैंडिडेट है ठीक है यहाँ पे यानी कि जो आपका DB हुआ था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसमैच हो गया था जिसके कारण जो है यहाँ पे अग्निशमन कार्यालय ने CSBC को जो है वो लेटर लिखा था कि जो कैंडिडेट आपने हमें जो यहाँ पे दिया है जो चयनित कैंडिडेट हैं क्या उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट है इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को संतुष्टि करने के लिए जो है यहाँ पे अग्निशमन कार्यालय ने CSBC को लेटर लिखा था। अब यहाँ पे जो है CSBC ने अपना सारा निर्णय यहाँ पे दे दिया गया है और सभी को आप सबको जो है जितना भी यहाँ पे नाम देखें ये सारा जो नाम यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी कैंडिडेट को जो है देख सकते हैं यहाँ पे 3 मार्च को जो है 3/3/2023 को यानी कि 3 मार्च को तिथि निर्धारित किया गया है। ये सारे कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पे यही जो है 18 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे 3/3/2023 को निर्धारित किया गया। उसके बाद देखिए और भी यहाँ पे हैं देख सकते हैं यहाँ पे अतः आप लोगों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/3/2023 को जो है 9:30 बजे सुबह में व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड ले लेना है, फोटो लेना है एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जो है सह
निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कार्यालय बुद्ध मार्ग जो कि लोदीपुर में पटना में जो है निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर जो है आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस यात्रा हेतु आपको कोई भत्ता दे नहीं है, ठीक है। तो ये वो 18 कैंडिडेट जो है जो कि यहाँ पे 3 मार्च को बुलाया गया है, ठीक है। तो वो सभी कैंडिडेट अपना अपना ये डॉक्यूमेंट लेके उन्हें यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आज का यहाँ पे डेट मेंशन किया गया, ठीक है। आज के दिन जो है ये नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद देखिए और भी कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया उसके बारे में भी है, ये सारा वही है, ठीक है। देख सकते हैं ये वो कैंडिडेट हैं अलग से उन लोगों के लिए जो डेट दिया गया है वो देखेंगे। देख सकते हैं पिता सिंह, देख सकते हैं सॉरी पूजा सिंह, और रोल नंबर देख सकते हैं उसका, और पिता श्री मिथिलेश सिंह, ठीक है। ग्राम जमालपुर, पोस्ट जमालपुर, थाना गोगरी, जिला खगड़िया, पिन नंबर, ये वो सारा कैंडिडेट है। दूसरे इसे जो है दूसरे दिन के लिए बुलाया गया है, देख सकते हैं ये भी यहाँ पे जो है 18 कैंडिडेट यानी कि टोटल 36 कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये भी उन्हीं का जो है इसका भी वही मेंशन किया गया है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कब बुलाया गया, तो इन सभी अभ्यर्थियों को जो है 2 मार्च 2023 को जो है बुलाया गया है, ठीक है। तो ये सारा कैंडिडेट अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp या Telegram में जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सभी कैंडिडेट हैं जो कि उन्हें जो है यहाँ पे 2 मार्च को जो है उपस्थित होना है, और जो पहला लिस्ट में यहाँ पे जो दिखाया उनको जो है 3 मार्च को जो है अपना जो है यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है। तो क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लेके जाना है, तो देख सकते हैं ये वो डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है आपको लेके जाना है, तो ये सारा वो डॉक्यूमेंट जो है आपको आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे कि आपका यहाँ पे जो PT का जो गेट पास था वो ले जाना है, और भी अन्य आपको डॉक्यूमेंट जो है सारा लेके जाना है, ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट थे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैंडिडेट जो है 1 से लेकर 18 तक सीरियल नंबर जो है ये दिया गया है। टोटल यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे जैसे कि बताया गया है कि 54 कैंडिडेट थे, ठीक है। 54 कैंडिडेट में कुल जो है यहाँ पे 36 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे लिस्ट में नाम है। तो जिनका भी यहाँ पे जो भी त्रुटि था उनको दोबारा जो है यहाँ पे बुलाया गया है, आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। सारा आपका फिर से यहाँ पे दोबारा जो है वो चेक किया जाएगा, और किस डेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको किस डेट में जाना है, आप अपना नाम यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सब चेक कर लेंगे, और उस डेट में आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है उसी डेट में आपको यहाँ पे जाना है। 2 दिन यहाँ पे डेट रखा गया है, 1 3 मार्च और दूसरा 2 मार्च को जो कि यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। आप अपना जिस भी लिस्ट में आपका नाम है उसी लिस्ट में यहाँ पे उसी दिन जो है आपको वहाँ पे उपस्थित होना है, क्योंकि अगर आप इस डेट में उपस्थित नहीं होते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और उसी डेट में आपको लेके जाना है। तो टोटल जो है वो 36 कैंडिडेट थे, ठीक है। 36 कैंडिडेट को जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी बाकी बच गए हैं उनमें कुछ त्रुटि होगी जिसके कारण जो है अभी तक कोई भी उसका अपडेट नहीं दिया गया है, और अगर उसका भी कोई भी अपडेट जारी किया जाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी अपडेट बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।